राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म की कथा का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो मनुष्य भी कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक मास में थोड़ा या अधिक जितनी समर्था हो दान करते हैं, गौशाला जाते हैं, गौशाला में गौओं को हरा चारा खिलाकर गौओं की परिक्रमा करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। उन पर भगवान शिव भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसने लगती है, उनके पापों का अंत हो जाता है और उनके यहाँ कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, हर मनुष्य जो कार्तिक स्नान करते हैं, वे कार्तिक का महीना बीत जाने पर अगली बार आने वाले कार्तिक महीने की इंतजार करते हैं, क्योंकि कार्तिक स्नान से उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। बंधुओं, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 8वें अध्याय को श्रवण करवाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही कथा को सुने और कथा को जब भी सुने पूर्ण सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें, तुलसी के ऊपर चंदोवा चढ़ावें, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनाएं, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय चार द्वारपालों को अलग अलग बैठावें, तुलसी की जड़ों में चार रंगों द्वारा सर्वतो भद्र चक्कर बनावें, उनके ऊपर पंचरतन नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन शांत चित से व्रत करना चाहिए, अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडश उपचार तथा विविध नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का
फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए वर्ती मनुष्य तीन या एक ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे, उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें, बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। इसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।